और याद रखना, आज तो एक तारीख हुई है, 5 तारीख को लाडली बहना की राशि मिलेगी, बहनों के लिए तालियां बजाओ। कांग्रेस वाले रोज कह रहे हैं इस महीने नहीं मिलेगी, अगले महीने नहीं मिलेगी, है ना। तुम कहते रहो और हम देते रहेंगे, कभी इसके पीछे नहीं रखेंगे। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए अच्छी खबर है। इस बार लाडली बहना योजना की 12वीं किस्त मई महीने में आने वाली है। सागर में एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि इस बार 5 मई को खातों में पैसा डाला जाएगा। सुने सीएम ने क्या कहा। और आप चिंता मत करना, बहने मेरी आवाज सुन रही होगी माइक से या हमारी सांसद बहन जी के माध्यम से, मैं खबर कराना चाहूंगा। तो आ रही 5 तारीख और 5 तारीख के दिन उनके खाते में पैसे ढलेंगे। एक एक महीना जो हमने कहा था 1250 देने का, वो बराबर 1250 पहुंच रहे हैं। चलिए जानते हैं लाडली बहनों के खाते में कितने रुपए डाले जाएंगे। लाडली बहना योजना में 1,29,00,000 बहनों के खाते में 1250 रुपए डाले जाएंगे। बता दें, कुछ समय पहले खबरें सामने आई थी कि लोकसभा चुनाव के चलते लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाई जा सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि इस बार भी बहनों के खातों में 1250 रुपए ही भेजे जाएंगे। दरअसल सीएम मोहन यादव हाल ही में गुना में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। यहां जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम इस योजना को बंद नहीं करेंगे, लाडली बहना योजना के तहत आपको पैसा मिलता रहेगा। चुनाव खत्म होने के बाद योजना में जिन महिलाओं के नाम नहीं है, उन महिलाओं के नाम जोड़े जाएंगे। अब चलिए आपको बताते हैं कैसे आप लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको लाडली बहना योजना की नीचे दी गई वेबसाइट पर जाना होगा। अब वेबसाइट के होम पेज पर अंतिम सूची के लिंक पर क्लिक करना होगा। अब अपना जिला और तहसील का नाम सिलेक्ट करना होगा। ब्लॉक और ग्राम पंचायत का नाम चुने। अब लाडली बहना योजना लिस्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी, इसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। बता दें, शिवराज सरकार ने मई 2023 में 1000 रुपए से इस योजना की शुरुआत की थी। उन्होंने वादा किया था कि धीरे धीरे वह इस राशि को बढ़ाएंगे। शिवराज ने कहा था कि इस योजना में वह पैसे बढ़ाते जाएंगे।